फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक अपने लिए कुर्ती बना रही हूँ। एक तो ये बताने का तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ कि यदि आपने सिलाई नहीं सीखी है, आपको सिलाई नहीं आती है, फिर भी आपकी सिलने की इच्छा हो रही है, तो आप किस तरह से अपनी लिए कुर्ती बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक मैंने रेयन प्रिंटेड कपड़ा लिया है। अब एक मेरी कुर्ती है पहले की, उससे किस तरह से सिर्फ नाप नाप के, कोई इंच टेप मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसी को जैसे उल्टा किया, फोल्ड किया, दो लेयर में नीचे वाले कपड़े को मोड़ लिया, उसके ऊपर इसको रखा। ये देखिए, जहाँ से खुला वाला पोर्शन है उसको खुले वाली तरफ आधा मोड़ के, ये यदि आपको पसंद आता है मुझे बताइएगा, तो मैं और अच्छी तरह से आपको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से बताऊंगी, जिससे कि आप अच्छे से स्टिप कर पाए। देखिए, ये ऊपर की तरफ एक तरफ मैंने नेक के लिए ये पूरा फोल्ड करके रख लिया है कुर्ती को, और नीचे मैंने डबल लेयर किया है कपड़े को। और ये देखिए, ये इस तरह से ये यहाँ से पूरा निशान लगा के और पूरा नीचे तक, जिसकी जो आपकी फिटिंग का हो कपड़ा, उसको देखिए इस तरह से काट लूँगी पूरा। ये मैंने काटा है, ये देखिए ऊपर से नेक काट लिया है, पहले एक नॉर्मल नेक का आधा इंच, एक इंच डीप वाला नॉर्मल काट के रख देते हैं, उसके बाद फिर देखिए अलग अलग करते हैं। जैसे पीछे का पोर्शन, आगे का पोर्शन अलग किया है, तो ये आगे में मैंने डीप किया है, राउंड नेक किया है। आप कोई भी अलग किसी भी तरह का नेक कर सकते हैं, राउंड नेक सबसे आसान रहता है। ये देखिए फेसिंग काटी है, सेम कपड़ा इसी के ऊपर इसको रख के, इस तरह से रख के, और करीब करीब 1.5 से 2 इंच चौड़ा कपड़ा इस तरह से काट के ले लेंगे, और लेके फिर उसमें इस तरह से लगा दिया है मैंने। ये देखिए इस तरह से ये ऑल पिन से अटैच कर दिया है, फिक्स कर दिया है। फिर अब इसका एक टाँका लगा लेंगे यहाँ पे, और ये देखिए, और फिर पलट के टाँका लगाएंगे। तो एक सिलाई, और ये देखिए बीच में मेरे को ये लगाना है, सामने मैंने लेस लगाई है, तो ये इसके बीच से यहीं से लगा लीजिए, देखिए जिससे ये पलटेगी तो उसके अंदर चली जाएगी। ये देखिए, तो ये इस तरह से, ये देखिए, और ये स्लीव है। स्लीव को आस्तीन को भी उसी का मेजर, जो कुर्ती है उसकी देख देख के रख रख के नाप नाप के, और अपना पूरा ये देखिए सामने की तरफ डीप कर देते हैं इसको, और पीछे की तरफ थोड़ा नॉर्मल रखते हैं, सामने की तरफ डीप कटिंग करते हैं, क्योंकि आपका हाथ आगे की तरफ मुड़ता है। अगर डीप कटिंग नहीं करेंगे तो बीच में ये कपड़ा ऊपर आएगा और झोल बोलते हैं आ गया है वो अलग दिखता है, इसलिए इस तरह से काट के, और ये देखिए उसमें चढ़ा दिए, बस सिलाई कर दी। ये देखिए, ये आस्तीन इस तरह से ये लगा दी, ये पाइपिंग लग गई है पलट के अंदर की तरफ, देखिए। और ये देखिए, मैंने अभी लेस को नीचे चारों तरफ लगाया है, ये सामने तो लगाई थी, नीचे भी चारों तरफ लगाई है, और स्लीव पर भी लगा दिया। तो एक थोड़ा सा, और ये देखिए, तो एक थोड़ा सा एक रेडीमेड सा लुक आ जाता है। तो देखिए, ये नहीं है तब भी आप बिना इसके भी सिल सकते हैं, वैसे ही मोड़ दीजिए। और ये देखिए, मैंने कुछ बटन्स थी मेरे पास, तो मैंने सामने की पट्टी में कुछ बटन्स फिक्स कर दी हैं, पिंक कलर की हैं, आप कोई भी कलर की लगा सकते हैं, ये मल्टी कलर, इसमें बहुत कलर है प्रिंट में, तो जो भी कलर आपको कुछ पसंद आए, आपके पास हो जो भी रखी हो, मेरे पास पिंक कलर की रखी थी, मैंने वही लगा दी है। तो ये देखिए, ये कुर्ती मेरी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, जब भी यदि आपको कुर्ती नहीं भी आती है, कभी नहीं सिलाई सीखी है, तो इस तरह से उसको पुरानी कुर्ती को देख के और अपनी एक नई कुर्ती बहुत सुंदर बना सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे वीडियो को, चैनल को अभी तक कभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।